वेलकम बैक। लेट्स कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज अ नेचुरल और सिंथेटिक्स। तो नेचुरल और सिंथेटिक डिवाइड करना है, तो नायलून क्या है बताइए, सिंथेटिक है, ऊल क्या है, नेचुरल है, कॉटन क्या है, नेचुरल है, सिल्क क्या है, नेचुरल है, पॉलिस्टर क्या है, सिंथेटिक्स है, जूट क्या है, नेचुरल है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये बताना है। तो यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, ये क्या है, ट्रू है। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, नहीं ये फॉल्स है, यार्न बनता है। जूट इज अ आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, फॉल्स है। जूट इज आउटर कवरिंग ऑफ जूट प्लांट। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, ये ट्रू है। वीविंग ऑफ यार्न मेक अ पीस ऑफ फाइबर, ट्रू है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ अ प्लांट, नहीं फॉल्स है, ये ककून से मिलता है। पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, नहीं ये फॉल्स है, ये सिंथेटिक है एक्चुअली। नेक्स्ट चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, देखते हैं। पहला बोल रहा है द प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन, यहाँ कॉटन भर दो या जूट भर दो। एनिमल्स फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, एनिमल्स का फाइबर कैसे ऑब्टेन होता है, तो एनिमल्स का फाइबर में कौन था आपका, सिल्क है, ऊल है। सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से। ऊल कहाँ से मिलता है, याक, रैबिट, गोट, शिप। फोर्थ में देख लो, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन, तो कॉटन कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो कॉटन ऑब्टेन होता है कॉटन प्लांट से, यानी उसके फूल से। जूट कहाँ ऑब्टेन होता है, तो जूट ऑब्टेन होता है जूट प्लांट से, यानी जूट में का जो स्टेम होता है उसमें जो छिलके लग जाते हैं वहाँ से ऑब्टेन होता है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हो, नेम टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, कोकोनट फाइबर से क्या बनता है, तो मैट बनता है, रोप बनता है यानी रस्सी बनता है, और चटाई बनता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, तो फाइबर से यार्न बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग के प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो फाइबर होता है उसको ट्विस्ट करके जोड़ते हैं और लंबे धागे में बदल देते हैं, जिसको बोलते हैं यार्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।